हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं अंकुरित मूंग दाल का चिल्ला, जो आप सुबह की भाग दौड़ में बहुत ही कम समय में आसानी से बना सकते हो। ये स्प्राउट चिल्ला पोषक तत्वों से भरपूर है और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। ये आपको वजन कम करने में भी मदद करेगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। स्प्राउट्स चिल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे अंकुरित मूंग। फ्रेंड्स, अंकुरित मूंग घर पर आसानी से कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उसे ज़रूर वॉच कर लेना। हमने यहाँ पर 1.5 कप अंकुरित मूंग लिए हैं। ये अंकुरित मूंग को हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे अदरक के 2 छोटे टुकड़े, 2 हरी मिर्ची, हरा धनिया पत्ता, थोड़ा सा पानी डालेंगे। जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ हमने अंकुरित मूंग को अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसे दरदरा पीसना है। अब इसे हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। पीसे हुए अंकुरित मूंग दूसरे बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन 1 कप और इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर 1/4 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, 1 पिंच हींग और डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, छोटी कटी हुई 1 प्याज, हरा धनिया पत्ता, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिल्ला जैसा गाढ़ा गोल रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर ली है, तो चिल्ला बनाने के लिए गाढ़ा गोल रेडी है। इतने मिश्रण से आप 5 से 6 चिल्ला बना सकोगे। अब हम एक पैन लेंगे। पैन जब गर्म हो जाएगा, ब्रश से उसके ऊपर तेल लगा देंगे। अब एक चम्मच में गोल लेंगे और पैन के बीच में उसे रख देंगे और चम्मच से उसे गोल गोल शेप में फैला देंगे। अब थोड़ा सा तेल चिल्ला के किनारे पे और चिल्ला के ऊपर की साइड में डालेंगे। 2 से 3 मिनट बाद चम्मच से चिल्ला की साइड चेंज करा देंगे और दूसरी साइड भी इसे पकने देंगे। फ्रेंड्स, चिल्ला दोनों साइड से जब पक जाएगा तब इसे हम पैन से निकाल लेंगे। यहाँ पे दोनों साइड से पक गया है, तो इसे अब हम पैन से निकाल कर सर्विंग प्लेट में रख लेंगे। गर्मा गर्म अंकुरित मूंग दाल का चिल्ला आप दही, हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही कम समय में और आसानी से बनने वाला ये पोषक तत्वों से भरपूर अंकुरित मूंग दाल का चिल्ला आप ज़रूर ट्राई करें। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आने से लाइक करना, शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकेगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।